Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadashiva Sanyo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare रघुनाथ दास गोस्वामी जी की दंड मोहत्सव की मेरे गुरुदेव नित्यानंद प्रभु परमात्मा ओम विष्णु पाद अष्टक सुपस्थित श्रीमद् भक्तिदान राहुल गोस्वामी महाराज एवं नित्यानंद प्रभु विष्णु पाद अष्टक सुपस्थित श्रीमद् भक्तिदान महाराज उनके वाणीवर चरण कमल में अनंत कड़ी शास्त्रों में तले मार करते हैं सपाश प्रभुपाद स्वामी वर्ग एवं सभा में आए हैं जो श्रीधर महाराज जो सार महाराज वैष्णव सज्जन सभी के चरण में था जो तले मार सकता आज रघुनाथ दास गोस्वामी के दंड महोत्सव सुबह हो चुका है तो हम लोग परिक्रमा करते समय श्री गोस्वामी को नाम देते हैं श्री रूप सनातन भक्ति रघुनाथ सिजीव गोपाल भक्तिदास इन श्री गोस्वामी में अन्यतम है रघुनाथ दास गोस्वामी उनकी जीवन चरित्र आप कैसे संसार से कोई भी नहीं चाहे वो चाहेंगे कि मेरे बेटा क्या बन जाए कोई नहीं चाहता गोस्वामी बाब का चरित्र बड़ी आप सुनाएंगे महाराज वो लोग भी संसार से भाग गया ऐसा कोई भी पापी सर नहीं कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे कि मेरे बेटा साधु गुटखा खा रहे हैं शराब पी या कोई बात लेकिन साधु के पास नहीं था बाबा जी बना नहीं पता नहीं उनकी जिंदगी इसमें अगर साधु बन जाए इसमें दिक्कत क्या अगर साधु पूरा भी नहीं बन पाए फिर भी फायदा श्रीमद् भागवत गीता में बताया सूचना श्रेताओं के जब भ्रष्ट हो जाए थे जब जब उस भ्रष्ट हो जाए जोग से तो फिर उनकी अमीर कुल में आप फिर वहां से भक्त सिद्ध हो इसलिए ये बात तो पहली बात ये बात दिमाग में निकल अगर आपके बच्चे साथ संग में आ रहे हैं बैठ रहे हैं सुन रहे हैं फिर उसके फायदा है और सबसे बड़ी समस्या आजकल बच्चे लोग रोटी पूछते नहीं है माँ बाप को इसके लिए पुष्ट किसका बच्चे का नहीं पेरेंट्स क्योंकि उन्होंने अच्छे संस्कार नहीं दिए अच्छा साधु संग नहीं दिया उसके कारण उसका दुरुपयोग के कारण उसका फल खत्म आप देखिए रघुनाथ दास गोस्वामी सुबह भी कथा चर्चा हुई उन्होंने सबसे बड़ी बात कुमारपुर में आए हैं वहां पर जन्म लिया वो बड़ी बात ये है उन्होंने शिक्षा क्या दिया चैतन्य महाप्रभु उनको कुछ शिक्षा दिया जब सब कुछ जरूरत है तो बहुत लंबा टाइम चाहिए इसीलिए हमें आधा से ज्यादा बोल चुका था थोड़ी सी बोल देता हूँ पहले से आदेश दिया है दो लाइन दो मिनट बोल रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत सारे ग्रंथ लिखे उसमें सबसे टॉप ग्रंथ है विलाप कुसुमान ग्रंथ अगर कोई पढ़ा हो जो राधा रानी के लिए कैसे कैसे प्रार्थना करते हैं जो हम सुन
विद्याप्रसिद्ध स्तवावली दान के लिए कौन देने उत्ता चरित्र ऐसा प्रयोग करो मूल्य करो। इसलिए ग्रंथ पढ़िए सुनिए। जो हम जागतिक कवि जो हैं उनकी आगे कुछ नहीं, इसलिए पारमार्थिक कवि है साहित्यकार। और भजन भी किया, जैसे जमींदार घर का लड़का है उसी समय जमाने में 8 लाख रुपया साल में कमाता था, 8 लाख। उस समय में 1 रुपया में 8 क्विंटल चावल खरीदा था, बताइए अब कितने बहन मिले। उस घर के आमिर घर है, आमिर घर के लड़का। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु से मिले तब से उनका मन जो है हमेशा महाप्रभु का रखे थे, संसार में मन लगे क्या। फिर उन्होंने माँ बाप ने क्या क्या साथ कर एक पुरुष के लिए है ना, अगर विवाह करवा दिया जाए तो बंधन मिले। लेकिन भैया उस सही बात नहीं, फिर सोचा कि उनको बात करा क्यों। तो फिर उनके पिताजी गोवर्धन मजुमदार कहते हैं तो जिन्होंने इतनी सुंदर स्त्री जिनका बात को नहीं रख पाया तो उसी से क्या पाओगे। इसलिए चलो बच्चा जो चाहता है उसी में खुश रहो। दो बात, एक तो माँ बाप पहले से बच्चा चाहे माँ बाप परिवार को, जब बच्चा मानते नहीं है तो वो जो चाहता है उनको खुश रहना चाहिए। वो क्या चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु साथ रह कर तो ठीक है। फिर उनके पिताजी ने हर महीने में कुछ पैसा भेजते थे भाई पोस्ट, उन पैसा से क्या करते वैष्णव को सेवा। लेकिन महाप्रभु का प्रसाद पाते थे ना बुद्धि सुधर, वो अपना भी माना बोलते नहीं मुझे पैसे देते, क्यों विषय अन्न खाए मुनि धर मुलिन मन ना है कृष्ण स्मर। क्योंकि कोई अगर कोई कुछ देते हैं ना ठाकुर जी को चढ़ाते हैं तो कुछ इच्छा रखते हैं, चलो मेरा काम धंधा चल जाए, मेरा बीमार ठीक हो जाए, मेरे घर में शांति बने रहे, कुछ ना कुछ तो कामना हो। तो ही अन्न के माध्यम से जो भी खाएगा है ना बाबा जी माता जो है महात्मा जी का अनुरोध बोलो गुरु गौरंग राधा रघु। इसीलिए क्या करते हैं महात्मा लोग पुजारी को भोग लगाते हैं फिर शुद्ध कर देते फिर आपको प्रसाद मिले। तब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु प्रसाद जाते थे वो भी होते थे, फिर कुछ दिन वो भी छोड़ बोलते ये भी ठीक। फिर उन्होंने जगन्नाथपुरी में सिंहदार में जब प्रसाद जी का आनंद बाजार में जाते थे कोई भक्त लेके जाते थे फिर कुछ दिन वो भी छोड़ बोलते ये भी वैसा कृति है। एक वैसा महिला क्या करती है, प्रेम तो किसी से नहीं है, प्रेम पुरुष से सजावट करके आती है, उस पुरुष का जेब से पैसा निकाल लेने के लिए प्रेम दिखाती है। तो इसलिए वो कौन देगा आपको प्रसाद देगा नहीं देगा वैसा कृति वो भी छोड़ तो आखिर वो एक जगह में बैठ गए और वही भगवान का भजन। और महाप्रभु फिर पूछते रहते हैं कि रघुनाथ क्या करते हैं, तब देखा वो जो सड़ा गला चावल है ना उसको धोके फिर महाप्रभु को अर्पण करके फिर पूछा। एक दिन पकड़ लिए बोले इतनी बढ़िया चीज खा रहे हो तो मुझे तो दिया कर छीन के खा। दूसरा खाने के लिए बोलते नहीं महाप्रभु तो आपको दे दे। देखो ये लोग भगवान के लोग वृंदावन में है फिर भी इस मनुष्य शरीर में यहाँ आकर के और साधनोचित व्यवहार सिखा रहे। अगर साधन करना है तो इंद्रियों को तपाना है, इंद्रियों को भोगों में नहीं लगाना, भोगों में लगाओ तो तुमको कहाँ ले जाएगा सीधा नरक में ले जाएगा। इसीलिए महाप्रभु ने उनको आदेश दिया शुद्ध विशुद्ध कैया का परिणाम संकीर्त सात पत्र फल मिले पर उदार और जिस बार लालो से युक्ति धार कृष्ण से स्वतंत्र पराय कृष्ण आए सपने ना करो भाई श्री कृष्ण मास गृह छे गृह स्थित छाड़ी आसिया छे
ধারণা খাইবে, ধারণা করিবে, করিলে রাধা কৃষ্ণ সুবাসে। যদি চাও তোমার রাখবে গৌরাঙ্গের সামনে ছোট হরিদাসের কথা থাকিবে। এই প্রকার মহাপুরুষ গুরুনে ঈশ্বর উপদেশ দিয়া ঈশ্বর আমি জিস প্রকার ভগবান অর্জুন কো দিঘা কর জগৎ কু শিক্ষা দি কি অর্জুন ভগবান কে শ্রদ্ধা বহুত বড়ে বিদ্বান है ना। वो आपने को मुझको समझकर ऐसा प्रश्न किया भगवान की इच्छा से कि हम लोगों को सिखाने के लिए। उसी प्रकार रघुनाथ दास के संत के गुणों से करा कर हम लोग के शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए सब कथा बहुत ही गंभीर है और महाराज के मुखार को श्रवण करेंगे। हम लोग तो यहाँ कथा करते रहते हैं, आप आते रहेंगे। और रघुनाथ दास गोस्वामी इतनी बढ़िया में भजन करते थे राधा कुंड। उन्होंने सोचा कि राधा कुंड पहले ऐसे नहीं कि वह खेत खेत कर खेती कर। तब उन्होंने मन में सोचा कि अगर ये बड़ा संस्कार हो जाए तो जो लोग आएंगे दर्शन करके आएंगे तो ठीक। तब उन्होंने बद्री नाथ में जाने वाले सेठ जी उन्होंने मानव कर रखा था, कुछ बहुत सारे पैसा लेके जा रहा था। बद्रीनारायण ने उनको सपना दिया, बोले ये मुझे मत देना, ये रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में भजन करते हैं उनको दे। तेरे को बस सोचा जिसे हरिनाम प्राप्त करता जो सोचे तो वही चित मिल जाए। लेकिन हम दुनियादारी नहीं चाहिए। फिर रघुनाथ दास का अपने मन को कोसा, बोले मैंने क्यों ये ऐसे मांगा। और शेर जी से वो पैसा और किसी को दिया, उनसे वो काम करवा लिया जो हम राधा कुंड सरोवर देखते हैं। और पंच पांडव को वृक्ष के रूप में तपसा युधिष्ठिर महाराज बोला मैं हम लोग पांच लोग हैं, हम वृक्ष के रूप में भजन मत मान। तो ये सारी लीलाएं हैं और समय ज्यादा नहीं ले रहा, महाराज जी मुझसे सुनेंगे हमारा ज्यादा अच्छा है। गौर भगवान ने आज हम लोगों ने श्रवण किया है। आज
एक बहुत बढ़िया दिन। आज श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने दंड प्रदान किया है। भक्ति जगत में दंड भी बहुत बढ़िया है। पहले दंड क्या दिया, पहले भक्तों को प्रसाद दिया, भक्तों को भगवान की प्रसाद दिला। इसलिए भक्ति जगत में सभी मिठाई मिला है, लेकिन ज्ञान कर्म योग में बड़ा परिश्रम, बड़ा कठोर साधन है। लेकिन भक्ति जगत में यहाँ भी आनंद और वहाँ भी आनंद ही आनंद। देखो यहाँ कथा भी सुनते हैं, यह भी आनंद है, प्रसाद भी पाते हैं आनंद है, कीर्तन भी करते हैं आनंद है, और उधर का आनंद आनंद ही है, ठाकुर के चरण में आनंद आनंद है। इसलिए हम लोग अभी अभी श्रवण कर रहे थे महाराज से, कहते श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ये है को यदि कोई साधारण जीव नहीं। इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करिए सपार सदर्शियो धाम सह अवतारि। जब किसी जगत में भगवान आते हैं अकेले नहीं आते, भगवान राम आए अकेले नहीं आए, वो पूरा धाम और उन्होंने पूरा उन्होंने परिक्रमा को लेकर गया। कृष्ण आए वो क्या अकेला है, वो भी अकेले नहीं आए, वो पूरा का पूरा। इसलिए एक समय श्री कृष्ण राधा रानी से बोले, बोले राधे मेरे साथ में चलोगी, बोले कहाँ, बोले मरते जगत, बोले मैं नहीं जाती, बोले क्यों, बोले जहाँ पर गिरिराज नहीं, जहाँ पर राधा कुंड श्याम कुंड नहीं, जहाँ पर यमुना नदी नहीं, जहाँ पर नंदगांव बरसाना नहीं, मैं वहाँ जा रही। कृष्ण बोले मैं अकेला थोड़ी जाऊँगा, ये पूरा गोलोक वृंदावन को पूरा के पूरा मैं उतार दूंगा। लेकिन राज राधा कुंड श्याम कुंड यमुना महारानी मेरा सखा सखी तेरा तेरी सखा सखी सब चलेंगे। फिर राधा रानी बोले फिर उठे चलो। फिर उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए वो अकेले नहीं आए, वो पूरा के पूरा धाम और परिक्रम को लेकर के इसी जगत में आए। उसमें श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है, कृष्ण लीला है, कृष्ण लीला में कौन है, कहते हैं कृष्ण लीला में ये राधा रानी की एक सहज है। इसलिए गौर गणदस दीपिका में आती हैं, कहीं कहीं इनको रसमंज भी बताया, कहीं कहीं इनको भानुमति भी बताया, और कहीं कहीं इनको रतिमंज भी बताया। इनको तीन इनका नाम दिया है। एक व्यक्ति तीन कैसे हो सकता है, एक व्यक्ति एक ही होगा ना, एक व्यक्ति तीन कैसे हो सकता है। कहते जो महाप्रभु का जो लीला पूर्ण है, महाप्रभु का जो लीला पूर्ण है, इसलिए श्री जीव गोस्वामी कहते हैं मुक्त अवस्था में एक जो मुक्त महापुरुष है वो एक साथ में बहु रूप में ठाकुर को सेवा कर सकते हैं। जैसे महाप्रभु पूर्ण है उनका भक्त भी पूर्ण है, एक साथ में ये तीनों तीनों सखियां एक साथ में आकर के उन्होंने महाप्रभु ने सेवा उन्होंने किया है। कहते श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, कहते श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अभी महाराज जी बता रहे थे जब हम जय ध्वज देते हैं क्या कहते हैं, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ यही सर्व स्वामी की जय, यही सर्व स्वामी की कोई जयकार नहीं दे रहे, सर्व स्वामी की जय कहते हैं। लेकिन केवल गोस्वामी छह ही बताया है, गोस्वामी सात नहीं बताया। इसलिए जो गोस्वामी जो शब्द है ना, इसलिए जहाँ तहाँ व्यवहार नहीं करनी चाहिए। गोस्वामी मतलब क्या है, वो मतलब होता है इंद्रियां, स्वामी मतलब होता है इंद्रियों का जो स्वामी है। लेकिन हम लोग क्या वो दास, मतलब इंद्रियों का हम दास है, इंद्रिय हमें जैसे बोलते हैं जैसे ले जाते हैं वैसे करते हैं। लेकिन इनका ऐसे नहीं, जिनकी इंद्रिय संपूर्ण रूप में इनकी अधीन था। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं पांच वेगम मन सह क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान जो विषय विग्रह सर्व पपिमां पृथ्वी। रूप गोस्वामी कहते अगर हमने
ये छह इंद्रियों को अगर हमने अपना अधीन बना दिया ना, फिर क्या होगा? बोले विश्व ब्रह्मांड तुम्हारी सेवक बन जाएगा, दास बन जाएगा। अगर ये छह इंद्रियों को अगर हमने वशीभूत कर दिया है, देखो प्रभुपाद हमारे जितने गौर विशर दास महाराज महाराज भक्ति विनोद ठाकुर, देखो इंद्रियों को जय किया तो विश्व ब्रह्मांड इन्हीं के अधीन में मिले, विश्व ब्रह्मांड इनकी जय जयकार हो रहा है, सारा दुनिया इनकी पूजा करती है। इसलिए कहते छह गोस्वामी ने ये इंद्रियों को दमन किया है, इसलिए केवल हम छह ही गोस्वामी कहते हैं, सात गोस्वामी नहीं कहते। हाँ सात गोस्वामी बताया, बता सकते हैं कौन है सात गोस्वामी? सेवन गोस्वामी कौन है? हाँ बाबा बड़े बड़े पंडित बैठे, अच्छी बात। इसलिए जो सप्तम गोस्वामी श्री भक्ति विनोद ठाकुर को ही सप्तम गोस्वामी बताए, इसलिए ये छह गोस्वामियों में जो अन्नतम है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, इन गोस्वामी कहते। इसलिए आज उनकी लीला के ऊपर हम लोग कथा सुन रहे हैं, कहते आज भी Cira-dahi महोत्सव। बोले क्यों, कारण किया? बोले कारण है, हम सबे कथा सुना रहे थे, साधारण लोगों का जो भावना है ये भजन करने के लिए कौन आते हैं, ये भक्ति करने के लिए साधु संत कौन बनते हैं? बोले जिनको पैसा कमाने का सही रास्ता नहीं मिला, घर में खाना पीना है बैठने का, वो वही सब घर बार छोड़ करके उसको बाबा बन करके घर घर में भीख मांगते हैं। इसलिए कुछ लोगों का ही यही धारणा है, ऐसे नहीं। इसलिए हमारे श्री प्रभदानंद सरस्वती कहते हैं, बोले साधु माधिक चिंता न भवती सर करे तर्क साहसी। वो कहते हैं अगर किसको राधा कृष्ण का प्रेम एक भूत केवल किसके आस्वाद का विषय हो गया, संसार का सारे सुख उसकी सामने तुच्छ बन जाता है। इसलिए जितने श्री चैतन्य महाप्रभु का भक्त हुए वो साधारण व्यक्ति नहीं, ये नरोत्तम दास ठाकुर महाप्रभु का शिष्य भक्त हुए। वो कौन थे? उसी समय राजा, राजा की बेटा, एक राजा की एक ही बेटा था हूँ, लेकिन जब महाप्रभु भक्ति की चस्का लगी सारे ऐश्वर्य पर ठोकर मार करके उन्हें भगवत भजन में आए। सनातन गोस्वामी कौन थे? कौन थे उसी समय? प्राइम मिनिस्टर थे। रूप गोस्वामी कौन थे? कोषाध्यक्ष थे। जीव गोस्वामी कौन थे? उनके जैसे विद्वान जगत कोई थे ही नहीं है। अगर हम इस संतों का चरित्र सुनेंगे ना, भक्ति विनोद ठाकुर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे उस समय। प्रभुपाद कौन थे? इतने विद्वान प्रभुपाद थे, इतने विद्वान प्रभुपाद थे, उनके लिए ज्योतिष विभाग का सबसे सर्वोच्च पद उनको दी जा रही थी। उन्होंने क्या बोले? बोले मैंने ये ईंट पत्थर तारा को गिनने नहीं आया, मैं तो भगवान का एक पियन हूँ, मैं एक जियन हूँ, गोलोक वृंदावन से उनका संवाद लेकर आया हूँ, तुम लोगों को पहुँचाने के लिए मैं आया हूँ। और हमारे गुरु जी श्रीला भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी उस समय पुलिस ऑफिसर थे, आपको पता होगा पुलिस लोग उनका घूस खाते हैं, कितने पैसा उनके घर में आता है, लेकिन ब्राह्मण घर उच्च ब्राह्मण घर में पुलिस अफिसर थे उस समय में है। इसलिए ये लोग कोई साधारण लोग नहीं थे, लेकिन जब कृष्ण भक्ति की चस्का किसको लग जाए ना, बोले दुनिया के जितने सारे वैभव है, जगत का जितने ऐश्वर्य है, उनको सामने सबके सब ये एक ही पड़ जाती है सबके सब। इसलिए इसको भी जब महाप्रभु की भक्ति की चस्का लगी, ये महापुरुष को इन्होंने भी सब कुछ ऐश्वर्य उन्होंने परित्याग किया है, सारे ऐश्वर्य को उन्होंने परित्याग किया है। जब उन्होंने सारे ऐश्वर्य को परित्याग करके महाप्रभु के पास में बारंबार आते थे, लेकिन इनको भक्ति की चस्का लगी कैसे? बोले श्री हरिदास ठाकुर जी की कृपा से। जब इनको श्री हरिदास ठाकुर जी के संग मिला, इसलिए कहते ना भक्तिस्तु भगवत भक्त संगे न बन जाए। जीव को भक्ति कैसे मिलती है? बोले भक्तों का संग से, भक्तों की संग से ही भक्ति मिलती है। यद्यपि ये एक नित्य सिद्ध परिकर है, राधा रानी की नित्य सहचरी है, राधा रानी की एक नित्य सहचरी है, लेकिन ये लोक शिक्षा के लिए
वो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं कि जब तक संतों की संग नहीं करोगे, इसलिए कहना बिनु संत संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। जब तक जीव के ऊपर में संतों की संग नहीं हो, संतों की कृपा नहीं हो, संतों का संपर्क मिलेगा बोले राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। जब तक भगवान राम की कृपा नहीं हो, तब तक जीवन में संतों का संग हमें भी नहीं प्राप्त हो पाए। जब संतों का संग मिल जाए फिर क्या संग, अगर हमें कहीं संतों का संग सही सही संतों का संग मिल जाए फिर इसका मतलब क्या समझो, क्या मतलब समझो। इसलिए श्री विभीषण जी जब हनुमान जी को साथ में उनकी साक्षात्कार हुई वो क्या कहते हैं बोले आज वो एक भाव भरोसा हनुमंता और बिनु हरि कृपा बिना जोर से मिले नहीं सकता। बोले जो रघु मेरी मोहे अनुग्रह की तो मोई डर सके, लगता है आज मेरे ऊपर के प्रभु राम की कोई कृपा हुई, तब आज हमें संतों की दर्शन मिला है, संतों की दर्शन मिला है। इसलिए उनकी केवल श्री हरिदास ठाकुर जी की दर्शन से ही हरि कथा से ही इनके हृदय में वैराग्य की भावना आई, इनके हृदय में वैराग्य आई। जब उनके हृदय में वैराग्य की भावना आई अभी उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ करके संसार छोड़ करके अभी श्री चैतन्य महाप्रभु के पास में ये आना चाहते हैं, लेकिन इनके परिवार कैसे हैं कहते इंद्र तुल्य ऐश्वर्य अप्सरा समस्त्री, कहते इनकी परिवेश घर का परिवार की स्थिति कैसे है बोले जिनकी घर में इंद्र के बराबर ऐश्वर्य इंद्र की, और इनकी पत्नी कैसे है कहते अप्सर जैसे स्त्री है, अप्सर जैसे स्त्री है इनके घर में। इसलिए लेकिन ये सब कुछ छोड़ करके श्रीमान महाप्रभु के पास में ये बारंबार आना चाहते हैं। लेकिन इनके दो भाई की एक बेटा, आप लोग अभी श्रवण कर रहे थे ना इनकी घर की कमाई कितना कमाई था बोलो, 8 लाख स्वर्ण मोहर, कितना था 8 लाख स्वर्ण मोहर इनकी वार्षिक की कमाई। इसलिए कह रहे हैं जिनके घर में इंद्र की बराबर ऐश्वर्य है जिनके घर में है, लेकिन जब ये महाप्रभु की संग से हरिदास ठाकुर की संग से जब बारंबार छोड़ना चाह रहे थे, उनको पिताजी बार बार पकड़ पकड़ के हिलाते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उनको पिताजी को बोले क्या कर रहे हो, ये बार बार भाग जाता है, अब पकड़ पकड़ के लाते हुए काम करो। इनका हाथ प्यार लोहे की जंजीर में बांध करके घर में रख लो, हाथ प्यार को बांध करके रख लो, भाग जाता है पकड़ के ले जाते। देखो उनको पिताजी क्या कहते बोले बागरी ये जगत में जीव को कौन बांध कर रखना है, बोले जगत में दो जीव की जो सबसे बड़ा बंधन है या एक है पैसा और एक है धन। अब देखना पुरुष तब तक फ्री हो गए घूमता रहता है जब तक शादी नहीं हो जाती, शादी हो गई ना बिना जंजन के हैं और बिना जंजन के हथकड़ी और फिर पड़े, फिर से घर से एक कदम बाहर निकल दो हजार सोचना पड़ता ये सबसे बड़ा बंधन है। कहीं भी जाओगे ना नाक में जैसे हम घोड़े के क्या लगा कर रखते हैं नकल लगा कर रखते हैं, ये ऐसे ही है कहीं भी जाओगे ना पकड़ करके ले जाएगा आपको, एक प्यार इधर उधर आपकी जान नहीं देगी, निकाल कर ले जाएगी वहीं से। इसलिए यदि जगत में सबसे आप लोगों ने शादी की हो, कौन कौन शादी किया बोलो, कौन कौन शादी किया कोई हाथ भी उठा रहे इसलिए आप शादी किए हो ना, इसलिए आप इसलिए आपको सब कुछ सब पता होगा हाँ। शादी करने के बाद कैसे बल्कि एक समय अब देखना लड़की जब शादी हो जाती ना और शादी होकर के जब अपना ससुर घर में जाती बहुत रोती है ना। अभी उनका परिवार उसको समझा रहे थे बोले क्यों रो रहे हो चुप हो, बीच बीच में घर में आ जाना, ज़्यादा दूर रहे नहीं, जब जब इच्छा तब तो घर में आते रहना जाते रहना, क्यों रो रहे हो चुप हो जाना, लेकिन चुप नहीं हो रही थी। इतने में उसको पत्नी कहा क्यों रो रहे चुप हो जा, कब से रोती जा रही है रोती जा रही है। उसने क्या बोले
बोले जीवन में पहला बार मैंने रो लिया, आज से तेरा रोना बंद, कल से तेरा रोना शुरू हो गया, अभी पूर्ण हो गए उनका रोना है नहीं, अब पूर्ण हो गए। इसलिए श्री उनको पिताजी ने कहा, देखो घर में जगत में सबसे दो चीज सबसे जीवंत बंधन है, एक स्त्री है और एक पैसा है, लेकिन ये दो चीज हमारे घर में परिपूर्ण मात्रा में, छोटे मोटे में नहीं, परिपूर्ण मात्रा में है। जब उनको ये जीवन का बंधन बांध नहीं सका, पर लोहे की जंजीर कैसे बांधे, ये जड़ है, ये जड़ है। क्यों बोले चैतन्य जो बातुल के राखी के बारे में, एक बार अगर कृष्ण प्रेम में कोई पागल बने, कहते ना कोई धन दौलत के पागल है, कोई पागल है बेटा नारी के, लेकिन ये जितने पागल है ना सब के सब झूठा पागल है, लेकिन सबसे बड़ा पागल कौन है, जो पागल है इसे बांके बांके बोलने दे बांके, इसलिए ये सबसे बड़े पागल, जैसे आप लोग पागल हैं, सब पागल तो घर बार छोड़ छोड़ कर घर का काम धंधा छोड़ कर के मंदिर में आकर बैठ कर कथा सुन रहे, इसलिए इसलिए बोले तुम पागल हो हैं, इसलिए जो चैतन्य रज बातुलता के रखते बात महाप्रभु का प्रेम जो बातुल मतलब पागल बने, जगत का कोई भी बंधन उनको बांध नहीं सकते हैं। अभी देखो आज जो उत्सव है, जब उनको पिताजी बारंबार पकड़ पकड़ कर लाते थे, एक दिन उन्होंने सुना ये पास में श्री नित्यानंद प्रभु आए, तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु को दर्शन करने के लिए, कहते नित्यानंद प्रभु को बोले आदि गुरु है, ये श्री आदि गुरु श्री नित्यानंद प्रभु, जब ये दर्शन करने के लिए गए, नित्यानंद प्रभु इनको दूर से देख करके ना इनको चोर 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 बोलने लगे, ये चोर तुम चोर हो, बोले क्यों बोले चोर हो, बोले ये राधा कृष्ण को तो पाना चाहते हो, महाप्रभु के पास में जाना चाहते हो, कहते महाप्रभु कौन है, बोलो महाप्रभु कौन है, बोले राधा भाव दुति सुबलित नवमी कृष्ण स्वरूप, कृष्ण की कलयुग में राधा रानी के भाव अंग कांति ये दोनों को लेकर श्री सचिनंदन गौर हरि बन करके आए, प्लस की सचिनंदन गौर हरि की जोर से देखा करो, प्लस की सचिनंदन गौर हरि की, इसलिए कृष्ण स्वयं कलयुग में राधा रानी के भाव अंग कांति लेकर श्री गौरांग महाप्रभु का रूप में आए, इसलिए महाप्रभु को नहीं अंत कृष्ण गौ बहिर गौ, अंदर में तो कृष्ण है लेकिन ऊपर में श्री चैतन्य महाप्रभु गौरांगी गौर हरि, गौर मतलब राधा रानी गोरी, गौर हरि मतलब हरि, ये राधा और कृष्ण दोनों मिलकर के श्री महाप्रजा रूप में, अभी ये महाप्रभु को पाना चाहते हैं, लेकिन भगवान किसकी संपत्ति है, कहते श्री नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु कौन है, ये आदि गुरु है, ये श्री आदि गुरु श्री नित्यानंद प्रभु, इसलिए जब तक श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं हो तब तक राधा कृष्ण नहीं मिल सकते, इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, क्या बोलते हैं, निताई पद कमल कोटि चंद सोशीतला जय छाया नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं हो राधा कृष्ण नहीं मिल सकते,
इसमें दिखता है करुणा हवे ब्रज राधा कृष्ण हवे। जब श्री नित्यानंद प्रभु कृपा हो तभी ब्रज में राधा कृष्ण तुम्हें मिल सकता, नहीं तो नहीं मिल सकता। इसलिए श्री भक्तनाथ ठाकुर क्या कहते हैं, बोले कृष्ण से तो मार कृष्ण जीते हो जाएगी। इसलिए श्री जगन्नाथ पुरी में
श्रीमद महाप्रभु जब श्री गुंडीचा मंदिर महाराज कर रहे थे, महाप्रभु ने कहा देखो कौन कितना ये मंदिर को साफ क्या पता कब चलेगा, किसने कितना धूल इकट्ठे किया उसको भी इकट्ठे कर, उससे पता चल जाएगा कौन किसने मंदिर साफ किया। मंदिर साफ क्या मतलब, क्या गुंडीचा मंदिर क्या है, जहां पर ठाकुर जी जगन्नाथ जी आकर के जहां बैठेंगे वो क्या बल राधा रानी की हृदय है, वो हृदय नहीं, इसलिए गुंडीचा मंदिर साफ नहीं कर रहे थे, अपना हृदय को ही वो साफ कर रहे थे, हृदय को हैं। बोले देखो कौन कितना मंदिर साफ क्या नहीं किया, जब धूल को देखोगे ना इससे पता चल जाएगा। अभी बोले देखो जितना धूल तो अब होगा ना, मतलब अगर कोई अपना हृदय को कम साफ करेगा उसको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। बोले दंड क्या मिलेगा, बोले सारे संतों को भंडारा मिला प्रसाद खिला। बोले क्यों प्रसाद क्यों खिला, बोले जब भक्तों का सेवा करोगे ठाकुर का सेवा करोगे, जब भक्त खुश हो जाएगा ना ठाकुर जी अपने आप खुश हो जाता है। इसलिए दुनिया में हम जो अपना कमाई कर रहे हैं ना, कमाई का कम से कम कुछ परसेंटेज क्या करनी चाहिए, ठाकुर को सेवा भक्तों सेवा में हमें देनी चाहिए। इसलिए जो कमाओगे अगर थोड़ा अपना अपना भोग में लगाओगे फिर तुम्हारी सुकृत नहीं बनेगी, फिर तुम्हारी सुकृत नहीं जो बनेगी, क्योंकि अभी हमारी इतना क्षमता है नहीं जो कि 26 घंटा बैठी करके प्रभु का भजन करें, अभी हमारी स्थिति नहीं है। अब देखना मला लेकर के बैठो आँख बंद करो क्या दिखती है, जब गुरु मंत्र जप कर तो क्या दिखता है, सारा दुनिया ही दिखता है, केवल प्रभु के बगैर सारा दुनिया दिखता है। बोले क्यों, बोले हम जिनके लिए करेंगे वही तो दिखेगा ना, हम तो कर रहे हैं दिन भर परिवार के लिए, जब परिवार के लिए कर रहे हो तो दुनिया वही दिखेगा ना। जब हम ठाकुर जी के लिए कुछ करें भक्त लोगों के लिए कुछ करें तभी तो भगवान दिखेंगे ना, लेकिन हमारी सामर्थ्य है नहीं माला लेकर 24 घंटा बैठे। फिर क्या होता है जब हमारी कुछ कमाई ठाकुर को सेवा में भक्तों की सेवा में लगता है फिर सुकृति लगती है, जब सुकृति पुष्ट होती है फिर जा करके भजन में कहीं मन लगेगा, नहीं तो भजन में मन नहीं लगेगा। फिर एक छोटी सी ध्यान देगी, बोले कोई एक संत थे वो गांव में जाते थे भिक्षा लेने के लिए, लेकिन सब लोग तो कुछ कुछ भिक्षा देते थे, लेकिन उसी गांव में एक बूढ़ी माता जी थी बड़ी कंजूसी है, एक पैसा भी उसका हाथ से नहीं निकलता, रोज बाबा को गाली देकर शर्म नहीं लगता है तो भीख मांगने के लिए रोज रोज आता था, लेकिन वो संत बड़े दयालु थे, बोले किसी तरह से इनका कल्याण करना है, अगर कुछ देगी जिसका हम संतों की सेवा में ठाकुर को सेवा में लगाएंगे इनके कल्याण होगा। एक दिन वो सवेरे सवेरे मिट्टी गोबर है उसको लेकर घर की पोता लगा देते घर की, इतने में संत पहुंच गए, बोले भगवती भिक्षा दे कुछ भिक्षा तो बोले डाली थी शर्म नहीं लगता, तो सवेरे सवेरे आकर भीख मांगने के बड़े ले क्या क्या जो गोबर मिट्टी से जो पोता हुआ था ना कपड़े मारे उसको बोले ले भिक्षा ले, लेकिन संत तो बड़े दयालु होते हैं, बोले अभी तक तो कुछ दे ही नहीं रहे, आज तक कम से कम कुछ दे दिया, उसको ले करके अच्छे तरह से धो धा करके उनको सुखाया और उसको शाम को बत्ती बनाया घी में डुबोया और गुड़ में डुबा करके ठाकुर जी को उन्होंने आरती गाई, लेकिन कपड़े किसकी है वो माता जी। जब वो ठाकुर को सेवा में लग गया देखो सुकृति क्या होता है, जब ठाकुर को सेवा में लग गया ना वो जो माता जी के हृदय अपने बदल गया, अभी तक जो काली काली बेटी थी अभी वो सोच रही है देखो मैं कितने दुष्टा कुछ तो देती नहीं थी और संतों को मैंने कपड़े और गोबर मिट्टी से पते हुए कपड़े मैंने मारा, कल जब वो संत आएगा ना फिर हम उनकी थोड़ी जरूर ना कुछ बिठा देंगे। दूसरे दिन ही आए तो संत बोले बाबा बाबा आज मेरे घर में भी आए, बोले भैया आज इसको क्या हो गया, रोज तो गाली दे देती कभी घर में आ, जब बुलाया बैठाया सेवा किया। इसलिए यहाँ पर श्री महाप्रभु बोले बोले क्या बोले, जितने यहाँ पर से भक्त लोग हैं ना भक्त अपने भंडार होते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी वो तो इंद्र के बराबर दिन घर में ऐश्वर्य खुश हो गए, बोले महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बहुत अच्छा दंड दिया आज साधु संतों की सेवा करने का, उन्हें नाव में भर भर करके बंगाल में ना
चिड़वा करते हैं, जैसे बिहार, यहाँ पर कोई बिहार गए हाँ तो भाई अगर बिहारियों को पूछो ना भैया तुम्हारी घर का सबसे बढ़िया खाना क्या है, तो चिड़ा दही, दही चिड़ा, उसमें आम नहीं तो उसमें कटहल नहीं तो उसमें चीनी दे करके है उसमें दे करके वो सबसे बढ़िया खाना है। हमारे बंगाल में भी खाते हैं, उड़ीसा में भी खाते हैं इसको। इसलिए मैंने बोले भक्तों को जब सुदामा कृष्ण को दर्शन करने के लिए गए तो बताओ क्या लेकर गए थे, चिड़वा लेकर गए। भगवान देव मूर्ति खाए तो त्रिभुवन का राज्य ठाकुर जी दे दिए। इसलिए बोले भक्तों को आज चिड़ा दही महोत्सव खिलाओ। उन्होंने गाँव में भर भर करके केले और बंगाल का संदेश बहुत बढ़िया मीठा वो संदेश खाओगे ना इधर का मीठा खाना भूल जाओगे, खाओगे नहीं कभी इधर का मीठा, इतने टेस्ट वो संदेश है। और केले डाल करके और उस समय आम का सीजन है हाँ, उन्हें नाव में भर भर करके बुलाया और उन्हें दो तरह का बनाया, एक दही में चिड़वा डाल करके और एक होता है गर्म दूध में चिड़वा डाल करके उसमें हाँ संदेश कर्पूर और आम केला दे करके उसको बनाते हैं। अगर बनाओ ना बहुत टेस्टी है, बहुत बढ़िया बनता है। इसलिए उन्होंने वहाँ पर पतल है वहाँ पर पतल दिया, पतल में चैतन्य महाप्रभु उसी समय थे कहाँ पर जगन्नाथपुरी महाप्रभु, और ये उत्सव हो रहे बंगाल में, उन्होंने महाप्रभु के लिए भी उन्होंने पतल रखा दे करके उन्होंने महाप्रभु को तुलसी पता दे करके महाप्रभु को आहार किया, आह्वान किया तो महाप्रभु साक्षात जगन्नाथपुरी से महाप्रभु वहाँ पर आए और महाप्रभु ने वो प्रसाद को सेवन किया है, प्रसाद सेवन किया। नित्यानंद प्रभु आज जितने भक्त लोग थे सबके सब प्रसाद सेवन किया, प्रसाद सेवन किया तो श्री नित्यानंद प्रभु ने अरे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के सर पर प्यार करके और आशीर्वाद दिए, जाओ हमारे संसार बंधन नष्ट हो जाए। जब आशीर्वाद दिए उसको बाद में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जब उन्हें घर में आए ना एकदम भक्तों का आशीर्वाद मिला, संतों के आशीर्वाद मिला, नित्यानंद प्रभु का आशीर्वाद मिला है, इनके आशीर्वाद से ही भगवत प्रेम भगवत भक्ति मिलती है। जब वो घर में आए फिर घर में प्रवेश नहीं किया, उनको घर को बाहर में एक मंडप था ना दुर्गा देवी का मंडप, वो वहीं रहा करते थे। और देखो जब ये बार बार भाग जाते थे, घर छोड़कर भाग जाते थे, 11 व्यक्ति क्योंकि बहुत बड़े धनी घर के थे इसलिए 11 व्यक्ति को उन्होंने नियुक्त किया था जैसे ये घर से भाग करके नहीं जा पाए, चार पाए पाए थे, पाए के मतलब बड़े दृष्ट पुरुष सभी थे हैं उसमें, और उन्होंने 6 कुछ और कुछ लोग थे और 2 उसमें हैं और 2 व्यक्ति और 2 व्यक्ति ब्राह्मण थे, ऐसे में 11 लोग अगर पेशाब करने के लिए जाए तो पीछे पीछे चले भाग नहीं जाए क्योंकि पहले तो आटा बात होता नहीं था जंगल में जाते थे, इसलिए स्वयं ये जगह रहे कि भाई भाग नहीं जाए घर से। 11 व्यक्ति उनको हर समय रखवाले करते थे, ये घर छोड़ करके लिए चले नहीं जाए, साधु नहीं बन जाए, ऐसे उनको रखवाली करते थे उनको। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उनका कोई पुजारी था जो देवी की पूजा करता था वो नहीं आया, पुजारी आने में देर कर दिया तो किसी बात पर झगड़ा हो गया आया नहीं, तो इतने में उनको जो गुरु जी थे बोले रघुनाथ अभी वो पुजारी अभी तक नहीं आया है, जो तो देख लो कि पुजारी नहीं आया। और इतने में जो पहरादार कर रहे थे वो लोग पहरादार लोग रात भर जगह कोई सोए नहीं, सवेर हो गया इतने में वो सब सो गए तो इनको चांद सकला कर चुके, इन्होंने बोले गुरु जी आपको जाने का जरूरत नहीं, आप ही बैठो अभी मैं देखता हूँ वो पुजारी क्यों नहीं आया, किसलिए नहीं आया मैं देखता हूँ। बात इतना बहाना बनाए और उन्होंने घर छोड़ गए, उन्होंने श्री जगन्नाथपुरी चले आए। बोले बंगाल से जगन्नाथपुरी अगर कोई चल चल करके आए कितना दिन लगता था, बोले उनको लगता था 1 महीना की रास्ता, लेकिन उन्होंने कितने दिन में 1 महीना का रास्ता तय किया, बोले 10 दिन में रात भर सोए नहीं, दिन भर सोए नहीं, और जो मेन रोड से नहीं क्यों फिर पकड़ कर कोई नहीं ले जाए, फिर बिना रोड में और
तीन एक महीना की रास्ता 10 दिन में आए और खाना कितना दिन खाए 3 दिन भोजन किया और छोड़ करके श्री महाप्रभु के पास में आया। जब महाप्रभु के पास में आए महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गई, इतने खुश हो गए महाप्रभु। क्या बोले महाप्रभु? बोले ठाकुर जी ने तुमने तुमको ये विषय रूपी नरक से निकाल करके तुमने ठाकुर जी की जगह ले लिया, जब तुम नरक से निकल करके आ गए हो ठाकुर जी के शरण में आए हो। इसलिए उन्होंने श्री जगन्नाथपुरी में जब आए उन्होंने श्री स्वर्ग का आमंत्रण को इनको दे दिया, बोले आप इनको देखभाल करना। महाप्रभु जो प्रसाद पाते थे उसको बाद में इनको भी प्रसाद देते थे अभी, लेकिन इसको पहले वो जब जब घर छोड़ करके जाते थे उनको पकड़ पकड़ लाते थे। अभी भक्तों का आशीर्वाद हो गया, नित्यानंद प्रभु का आशीर्वाद हो गया, उसको बाद में फिर उनको कोई लेने के लिए नहीं गए, उनको लेने के लिए कोई नहीं गए। बोले क्यों नहीं गए? कारण क्या? बोले कारण है जब तक नित्यानंद प्रभु की गुरु जी की वैष्णव की कृपा नहीं होना तब तक तक भगवत प्राप्ति असंभव है, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होता है। जब भक्तों का गुरु जी की वैष्णव का आशीर्वाद होता है तभी जाकर कहीं भगवत प्राप्ति जी को संभव है, नहीं तो संभव नहीं। और उन्होंने ऐसे वैराग्य किया, जब पिताजी को पता चला मेरा बेटा चला गया फिर उन्होंने क्या किए, फिर उन्होंने कुछ सेवक भेज दिया, कुछ पैसा भेज दिया, मेरा बेटा राजा घर का बेटा है, घोड़े को पीठ के ऊपर बैठ कर जाता था है, कितने घर के कितने सेवक इसको पीछे लगे हुए थे, एक ही बेटा था, कितने कष्ट हाँ, कितने रात जैसे परिवार में रहता था, अभी कौन खाना खिलाएगा, खाना उसको कौन खिलाएगा। इसलिए उन्होंने सेवा कुछ पैसा भेज दिया, लेकिन उन्होंने कुछ दिन तक ग्रहण किया, उसको बाद में फिर उन्होंने ग्रहण नहीं किया। बोले क्यों ग्रहण नहीं किया? बोले कारण है जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, कहते 6 तरह का शरणागति है, उसमें एक शरणागति है गुप्तृत्व वर्णन तथा, इसका मतलब है ठाकुर हमें जरूर पालन करें। जब ठाकुर जी एक चिट्ठी तक लेकर के हाथी तक पालन करते हैं, अगर हम भजन करेंगे क्या ठाकुर हमें पालन नहीं करेंगे? दुनिया को तो पालन करने वाले हैं, हम तो प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। कहते ये जो चीज है भगवान का प्रति पूर्ण विश्वास रखनी चाहिए, इसलिए उन्होंने देखा इसको ग्रहण करना सीखना सही नहीं। इसलिए उन्होंने बोले भैया तुम लोग वापस ले जाओ, जरूरत नहीं थी लोगों को, पर कल खाना कहाँ से खाए, वो खाना कैसे खाएंगे? पर वो क्या करते थे, कौन कौन जगन्नाथपुरी गए, हाथ उठाओ जगन्नाथपुरी कौन कौन गए, हाथ उठाओ। वहाँ पर आप जगन्नाथ मंदिर में गए होंगे, वहाँ पर एक आनंद बाजार है जहाँ पर ठाकुर का प्रसाद होता है, दाल चावल होता है। वहाँ क्या होता है, बिकने का बाद जो नहीं बिकता है बाहर जो दुखी दरिद्र लोग खड़े हुए रहते हैं वो प्रसाद उनको देते हैं। वो कहाँ खड़े होते थे, दरवाजे में बाहर ही खड़े रहते थे, कोई आएगा तो भोजन देगा। लेकिन बाद में फिर देखा महाप्रभु उसमें संतुष्ट नहीं, फिर उनको त्याग दिया। बोले क्यों त्याग दिया? बोले ये जो खड़ा रहना ये वैश्यावृत्ति है, वैश्या क्या करती है, कोई एक पुरुष आ रहा बोले जरूर तो ये मेरे पास में आ रहा है, जरूर कुछ ना कुछ पैसा दे करके जाएगा। लेकिन वो आया देखा उसके सामने रुके हुए चला गया, कुछ दिया है, फिर देखती रहती शायद ये व्यक्ति मेरे पास में आ रहा है, फिर देखा वो भी नहीं देखे चला गया। उसको केवल चिंतन कहाँ करे, शायद दूसरे आकर के दे करके जाएगा, इसी में उसका समय उसमें बीत जाती है। इसलिए उन्होंने देखा कोई आएगा मेरे को दे करके जाएगा, कोई आएगा दे करके जाएगा, इसके लिए प्रतिज्ञा करो। और भजन का समय कहाँ है, भजन करने की भक्ति का समय कहाँ है, भक्ति करने की, और उसी चिंता में तो चले जाते हैं। उसने उन्होंने त्याग कर दिया, वहाँ को बड़ी खुश हुई। फिर कहाँ पर खाए, बोले वहाँ पर एक अन्न छत्र होता था कहीं, जहाँ पर टाइम पर जाओ ना बस कुछ प्रसाद मिल जाता है। फिर उन्होंने जा करके वहीं से उस दिन खाए, क्यों वहाँ पर जाओ प्रसाद मिल गया, प्रसाद पा लिया, दिन भर भजन करो। लेकिन उसको बाद में उसको भी त्याग दिए, त्याग लेकर फिर क्या खाए, जब जगन्नाथ जी का वहाँ
अपना चावल बिकता है, जो चावल नहीं बिकता एक दो दिन बाद खराब हो जाता, सड़ जाता है, फिर वो चावल को फेंक देते हैं। वहाँ पर एक स्थान है जिसको गैया भी नहीं खाते हैं, ये क्या करते थे, उसको धो धा करके और थोड़ी सी नमक दे करके उसको खा लेते थे। अभी महाप्रभु देखो कितने बड़े घर के बच्चे हैं, कितने बड़े घर के बच्चे हैं जिनके घर में इंद्र के बराबर ऐश्वर्य है, स्त्री अक्सर कैसे है, इतने सेवा 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 करते थे, लेकिन उन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए उन्होंने इतने कठोर तपस्या किया, इतने कठोर उन्होंने तपस्या की भगवत प्राप्ति करने के लिए। महाप्रभु जब पता चला ना, महाप्रभु बोले तुम इतने बढ़िया बढ़िया खाना खाते हो, अकेले अकेले खाते हो, महाप्रभु भी क्या कर उसको खाए, उनको साथ में स्वरूप दाता पर उठा कर हाथ पकड़े, बोले प्रभु ये आपका भोजन नहीं, आप ये चीज भोजन मत करो। इसलिए बोले प्रभु नाथे वैराग्य जेना पाषाण रेखा, कहते इनकी वैराग्य को कैसे बताया, बोले पाषाण की रेखा, पाषाण मतलब होता है पत्थर, पत्थर में कोई अगर उसमें कोई लकीर कोई दाग हो जाए ना, जैसे वो मिटती नहीं, इनकी वैराग अद्भुत वैराग्य है। फिर जब वहाँ छोड़ करके वृंदावन में आए राधा कुंड में कैसे भजन करते थे, एक झूठ केवल मठा पी करके, एक झूठ मठा पी करके भजन करते थे वहाँ पर हैं। और इनकी कितने समय सोते थे, सोते थे कहते आठ प्रहर होता है, आठ प्रहर 24 घंटा होता है, 24 घंटा में वो सोते थे कितना समय, एक आध घंटा भी सो गए। और 24 घंटा में 24 घंटा क्या करते थे, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और जोर से जब द्वारका में
जब कृष्ण द्वारा शादी वगैरह कही ना, एक दिन सत्यवर्मा कृष्ण को प्रश्न किया, बोले प्रभु मुक्त आठ तरह का बता, लेकिन मैंने सुना है आप ब्रज में मुक्ता के पेड़ लगाए हो, पेड़ से खड़ी मुक्ता होता है, ये पेड़ से मुक्ता कैसे हुई है, थोड़ी सी कथा सुनाओगे? इतना सुन कर कृष्ण रोने लगे, कृष्ण रोना शुरू कर दिया, बोले क्यों? इसलिए रोना शुरू कर दिया, जब राधा रानी की प्रेम गोपियों की प्रेम को उनको याद आ, कैसे कृष्ण राधा रानी को साथ में लीला करते करते मैंने ये वृक्ष रोपण किया, रोना शुरू कर दिए। फिर कृष्ण ये कथा सत्यभामा को ये कथा सुनाते, अद्भुत ग्रंथ है, इसलिए दिन रात कभी एक ग्रंथ है ललित माधव विदर्भ माधव गोस्वामी का ग्रंथ, जिसको पढ़ करके दिन रात रोते थे, दिन रात रोते थे। इसलिए उन्होंने देखा ये तो दिन रात ग्रंथ को पढ़ के रोता क्यों, इस पर राधा कृष्ण के विरह की वर्णना किया। फिर से रूप गोस्वामी एक ग्रंथ लिखे जिसमें कृष्ण कैसे गोपियों को साथ में राधा जी को साथ में कैसे हसी दिलाई करते हैं, कैसे दान मांगते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी कथा है। वो ग्रंथ किसी तरह से लेकर के ग्रंथ उनको दे दिया, और जब ये ग्रंथ पढ़ते ना दिल रास्ते रहते हैं कि उसमें राधा कृष्ण कैसे प्यारी प्यारी लीला करते उसमें वर्णना है। इसलिए ये महापुरुषों की और एक ग्रंथ लिखे जिसका नाम मनस क्या है, क्या ग्रंथ का नाम, जरूर मनस शिक्षा को पढ़ा कर, ये मन को शिक्षा देते हैं। बोले क्यों? देखना हमारी प्यारे इंद्रिया है, पांच कर्म इंद्रिया पांच ज्ञान इंद्रिया, लेकिन राजा कौन है? ये मन है। जैसे मन ने बताया चलो गौड़ी भट्ट में कथा होगी, चलो कथा सुन कर गाय सारा इंद्रिय नहीं पर आ गई, अगर मन बोलता अरे क्या जरूरत है टीवी खोल के बैठ जाओ, हाँ चलो पार्टी में जाएंगे, कर सब इंद्रिय पार्टी में चले जाएंगे, वो मन क्या बोलता है कोई करता है, लेकिन ये इंद्रिय में मन सबसे खतरनाक है। इसलिए बोले मन ही बदलने का कारण, मन का मुक्ति का कारण है मन सबसे। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे सवेरे उठो और अपना जुत्ती लो और 100 बार मन को पीटो, क्योंकि मन को समझाओ मैं आज दिन भर हरिनाम करना, ग्रंथ पढ़ना, भगवान का भजन करना, उल्टा उल्टा चीज में जाना नहीं कि मन जो बोलेगा वही करेगा। इसलिए प्रभुपाद कहते थे सवेरे उठो अपना जुत्ती लो और मन को 100 बार पीटो, समझाओ ये मन को 26 घंटा जैसे प्रभु का नाम कीर्तन भजन में जैसे मन लगाए। इसलिए मन सीखा जरूर आप लोगों को पढ़ना। इसलिए उनके ऐसे अद्भुत अद्भुत ग्रंथ हैं, वो एक नित्य सिद्धा परिकर होते हुए भी, लेकिन कैसे हमें साधन धीरे धीरे करते करते हम भगवान तक तो कैसे पहुंच सकते हैं। उन्होंने जो शिक्षा दिया अद्भुत शिक्षा दिया, उन्होंने अद्भुत शिक्षा दिया, इनका तो बहुत सारी कथा है लेकिन समय बहुत हो गया है। इसलिए आज हम सबके सब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इनकी कथा को अगर एक बार सुन लेना सही सही, फिर वो घर बार छोड़कर संन्यास ले लेंगे। इनकी जो कथा है ना, इन्होंने जो साधन वजन किया है, अगर पूरी हमने कथा नहीं सुनाई, महाप्रभु को क्या शिक्षा दिया, महाप्रभु पास में कैसे कैसे आए, वो जो महाप्रभु क्या शिक्षा दिया, अगर इनका जीवन कोई कोई सही सही पढ़ लेना तो घर में नहीं रहेगा, फिर बाबा बन जाएगा, बाबा की बन गए मेरे बाबा अच्छे से बाबा की हो गई है। हाँ, इनकी अद्भुत अद्भुत की शिक्षा है। इनके आज चिड़ादही महोत्सव का आज उनके प्रसंग है, वे हम सबको घर में आशीर्वाद करें, सबको घर में कृपा करें, जैसे हम किसी ना किसी तरह से एक जीवन ध्यान रखना, किसी ना किसी तरह से एक जीवन हम हरि गुरु वैष्णव ये आत्मगत्य में एक जीवन हम प्रभु के भजन में लगा सके, भक्ति कर सके, ये सब हम ऊपर में आशीर्वाद दे, जैसे हम प्रभु का भक्ति कर सके। ठीक है, बोले श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की, बोले श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे।
अभी आप लोग सही प्रसाद सबके लिए प्रसाद है।